लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Attention, please. We announce the arrival of flight number 418 from Nairobi. Announcing the arrival of flight number 418 from Nairobi. Thank you.
ये पासपोर्ट नैरोबी के ब्रिटिश पासपोर्ट ऑफिस से 3 साल पहले मरहूम सैमसन डिमेलो के नाम से इशू किया गया, और जिस कार में उसका एक्सीडेंट हुआ, पुलिस स्टेशन में दर्ज की हुई रिपोर्ट के मुताबिक वो गाड़ी 2 दिन पहले चोरी हो चुकी थी और एक्सीडेंट के वक्त उसका नंबर प्लेट बदला हुआ था। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि उसका कोई ना कोई मददगार यहाँ जरूर है जिसने उसके लिए गाड़ी का इंतजाम किया। बेशक, पासपोर्ट की एंट्री के मुताबिक सैमसन 2 महीना पहले भी बॉम्बे आ चुका है। यस सर, और सीआईडी की रिपोर्ट से पता चलता है कि वो होटल लॉन्ग बीच के रूम नंबर 4 में ठहरा था, और इस दौरान में एस लाल नाम के किसी आदमी ने उसे 2 मरतबा टेलीफोन भी किया था। ये एस लाल कौन है? उसका कोई पता नहीं चल सका। अलबत्ता मिस्टर सैमसन ने 10 मरतबा अपने होटल से 25357 पर टेलीफोन किया, और ये नंबर मैसेज भगवानदास ज्वेलर के हैं। इस मामले के तहकीकात के लिए फॉरन इंस्पेक्टर सामंत को उस दुकान पर तैनात कर दें और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ओके सर। देखिए मिस्टर भगवानदास, हिसाब के बही खाते जांच पड़ताल के बाद आपको वापस कर दी जाए। इंस्पेक्टर साहब, मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आपका ये शक और जांच पड़ताल के लिए जब भी बुलाया जाए आप मुनीम जी को पुलिस स्टेशन भेज दीजिएगा। सेठ जी, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। क्यों? आज तक मेरे खानदान में कभी कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया। आज तक की बात छोड़ो, मैं मुसीबत में हूँ और तुम? ओहो, मुसीबत तो आपने खुद ने बोल ली है और साथ में मुझे भी। मुनीम जी, तुम ये मत भूलो कि बही खाते तुमने लिखे, मैंने नहीं। जरूर लिखे हैं, मगर जैसा आपने कहा वैसा मैंने किया। तो आप भी ऐसी कह रहा हूँ? मैं आपकी बात मानने से इनकार करता हूँ, मजबूर। मुनीम जी, तुम होश में हो या नहीं? याद रखो, मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। जो मर्जी में आए वो कीजिए, मगर मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। अगर वहां कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरी तो इज्जत खाक में मिल जाएगी, मेरी लड़की की शादी रुक जाएगी। मैं हरगिज पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। तो जाओ जन में। मुनीम जी, समझ गया साहब। हाँ, अभी अभी ऊपर आते ही जिंदगी भर मेरा नमक खा रहा, मुझे तो पैसे बस। तो ये है वो मुनीम जो भाई खाता रखते? हाँ, कहते हैं मुझसे नहीं होगा, इज्जत का सवाल है, लड़कियों की शादी करनी है, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। सिंह, अगर सचमुच कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होने का बेफिक्र रहो। क्या कह रहे हो? पुलिस भाई खाता लेके मुनीम ने पुलिस स्टेशन जाने से इनकार कर दिया और तुम इसे मामूली बात समझ रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पुलिस स्टेशन पे हरगिज नहीं जाऊंगा। वो मुझे अंदर कर दे तो। क्या हुआ मुनीम जी? कुछ नहीं। आइए, कहाँ? भगवानदास जी, आपके लिए ठंडा पानी मंगाऊं? आपको मजाक हो जाए इस वक्त? और आपको? सिंह, तुम सोचते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं, ये कारोबार, इज्जत, दौलत सब कुछ चौपट हो जाएगा। भगवान दास, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कुछ नहीं होने का। परमात्मा करे उस मुनीम की इज्जत सलामत रहे। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसे बेवकूफ लोग दुनिया में कब तक जिंदा रहेंगे। मैं तुम पर नाराज जरूर था, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि तुम। मुनीम जी, तुमने ऐसा क्यों किया? मुनीम जी, तुमने ऐसा क्यों किया? कैसे गिरा? तो मुनीम जी यहाँ बैठते थे? जी हाँ। जब मुनीम जी गिरे कौन कौन था इस कमरे में? हम दोनों थे। आप लोगों को जरा भी पता नहीं चला जब मुनीम जी यहाँ से उठ कर गए? जी, अक्सर उनको पान पीने की आदत थी, इसलिए हम लोगों को ध्यान नहीं दिया। उनके गिरने का पता कैसे चला? हम दोनों काम में थे और आवाज सुनी और भागे भाग गए। कैसी आवाज? लोगों की शोर की आवाज। तो और कोई नहीं था वहाँ पे? जी नहीं। इसका मतलब है उन्हें धक्का देकर नहीं गिराया गया? जी, वो इतने नेक आदमी थे कि उनके लिए कोई सपने में भी बुरा सोच ही नहीं सकता। तो फिर खुदकुशी की होगी? खुदकुशी? उन्हें कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं थी जो ऐसे तंग आकर ऐसा पाप करते?
न खून न खुदकुशी, फिर वजह क्या हो सकती है? हो सकता है फिर क्या? मिर्गी का दौरा पड़ा होगा। मिर्गी? उन्हें ये बीमारी थी क्या? हाँ साहब, कुछ दिनों से उन्हें बीमारी ये थी। कुछ दिनों से? जी, 2-3 महीने से। और कोई जानता है इस बारे में? शायद और कोई नहीं। यहाँ 2-3 बार उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उन्होंने हम लोगों से कहा था कि इसके बारे में किसी से जिक्र न करें, वरना कहीं नौकरी से हाथ न धोने पड़े। सिंह, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर उन्हें मिर्गी की बीमारी होती तो मुझसे जरूर कहते। तुम एक काम करो, ऊपर जाके पुलिस वालों से कहो कि तुमने उसे नीचे फेंका है। सिंह, जब अकाउंट्स वाले सब कह रहे हैं तो तुम्हें मुनीम को मिर्गी बीमारी होने में क्या इतराज है? इतराज? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि बुजदिल आदमी का मरना ही बेहतर है। अभी अभी मुनीम के जिंदा रहने में तुम्हें शक था और अब साबित हो गया। तुम्हें तो मेरी दूरअंदेशी की तारीफ करनी चाहिए। इसका मतलब है कि तुमने सिगरेट लो। क्या मामा जी, अपने मुनीम की खबर पड़ी? पहले तो उन्हें कभी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा था। हाँ मां जी, देखने में तो बिल्कुल अच्छे भले थे वो। बेटा जरा यहाँ ना, अपने मुनीम जी। हाँ मां, बड़ा अफसोस हुआ। जिस वक्त मुनीम जी की मौत हुई, क्या शमशेर सिंह वहीं था? तो क्या? कुछ नहीं, पर तक तो मुनीम जी अच्छे भले और तंदुरुस्त थे। माँ, मौत कह के नहीं आती। जानती हूँ बेटा, लेकिन मुनीम जी का इस तरह अचानक मर जाना, कुछ ऐसा लगता है कि उनकी मौत के पीछे सिंह का हाथ था। ये कहना चाहती हूँ जैसे बुरे काम सिंह करता है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बुरे आदमियों के साथ में रहने का नतीजा हमेशा खराब होता है। तुम्हें तो वहम हो गया, कुछ दिनों के बाद अपने बेटे पर भी शक करने लगी। जी, मैं आज ही अपने पुराने मकान में चली जाऊंगी। नहीं माँ जी, मैं अभी यहाँ रहना नहीं चाहती। उसके भले के लिए कहती हूँ तो वो काटने को दौड़ता है। माँ जी, वो बाहर से आए हैं, शायद कुछ परेशान होंगे। मैं यहाँ रहूंगी तो उसकी परेशानी और बढ़ेगी। मैं मुंह बंद करके रह नहीं सकती, और उसको समझाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे अपने दुश्मन समझता है। माँ जी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, उनकी बातों का बुरा ना मानी। मैंने फैसला कर लिया है बहू, ये ले चाबी। नहीं माँ जी, रीता का ख्याल रखना। कमाल है, एक तो अंधेरा है, दूसरे बीच सड़क में गाड़ी खड़ी कर दी है। ए मिस्टर, ये आपके बाप की नहीं सरकारी सड़क है। अरे जवाब क्यों नहीं देते? अरे भाई, गाड़ी में क्या खराबी है? कुछ बोलो तो सही। सो गया क्या? ए, रोड़ो, रोड़ो। अरे, 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 अरे। आप लड़की हैं? दिखाई नहीं देता। जी हाँ, आप दिखाई दिया, बहुत खूब। दूर दूर कोई मैकेनिक नजर नहीं आता। आज गाड़ी लो कल खराब। मेम साहब, यूँ बुड़बुड़ाने से कुछ फायदा नहीं है। मतलब यह है कि आप बता दीजिए ना गाड़ी में क्या खराबी है, मैं खुद दुरुस्त करता हूँ। नो थैंक्स, मैं अपनी गाड़ी खुद ठीक कर सकती हूँ, समझे आप? मैं तो समझा, लेकिन आप नहीं समझ रही हैं। आप बीच में गड़बड़ मत कीजिए, गाड़ी मेरी है, मैं ठीक कर लूंगी, मैंने कहा ना। मेम साहब, आप मेरा काम आप कैसे करेंगी? मैं मोटर मैकेनिक हूँ। तुम कोई भी हो, मैं कहती हूँ जाओ अपना रास्ता नापो। क्या कह रही हैं आप? जब आप सामने हो तो अंधेरा रास्ता नापने की बेवकूफी कौन करेगा? आप समझते हैं मैं अकेली हूँ, इसीलिए इतनी बकवास कर रहे हैं आप? जी किसने कहा आप अकेली हैं? आपके साथ ये बॉम्बे पूना रोड है, ये दरख्त है, अंधेरी रात है, बिगड़ी हुई गाड़ी है, और मैं हूँ। मिस्टर, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, मेरा ख्याल है मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जी आपकी आवाज इस सुनसान जंगल में पुलिस तक नहीं पहुँच सकती, मगर हाँ शेर चीते जरूर सुन लेंगे, और उसके बाद क्या होगा? माय गॉड, गुड नाइट।
टाटा। जानता था आप जरूर मुझे बुलाएंगे। हाँ फरमाइए। अभी अभी आपने कहा था ना कि आप मोटर मैकेनिक हैं। जहाँ हूँ तो सही। जरा मेरी गाड़ी देखिए ना, देखिए ना। अब हुई ना कोई बात। अभी लगाता हूँ, आप जरा जाके गाड़ी स्टार्ट कीजिए। क्या चीज़ है? आपकी गाड़ी का सारा पेट्रोल टपक गया। मर गए। क्या होगा? क्या होगा? सुनिए। सुनाइए। देखिए। देख रहा हूं। मेरा मतलब है आपके पास थोड़ा पेट्रोल है। मगर स्कूटर में। आप अपने स्कूटर का पेट्रोल मेरी गाड़ी में डाल दीजिए। वाह, फिर मैं कैसे जाऊंगा? आप मेरी गाड़ी में जाइएगा, दूसरे पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले लीजिएगा। और स्कूटर कहाँ छोड़ जाऊँ? वो भी मेरी गाड़ी में। हो सकता है। हो सकता है, तो फिर देर किस बात की है। ये कुछ बात हुई। सर जल्दी करो, मुझे घर जाना है। अब स्टार्ट कीजिए। थैंक यू टाटा। बना गए। आपने आपने मुझे धोखा दिया और कुदरत ने आपको। क्या होगा? मगर मेरे पास पेट्रोल और नहीं है। शट अप। मुबारक हो, मुबारक हो। तो फिर ऐसा कीजिए, आप गाड़ी में आराम फरमाइए, मैं किसी झोपड़े ओपड़े में अपने इंतजाम कर लेता हूँ। टाटा। नहीं, समझ गया समझ गया, आप भी आना चाहती हैं। आइए 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 ना। चोरी करने को नहीं आता। तो क्या करने आता है? डाका डालने को आता है, कत्ल करने को आता है। सुनिए, लड़की की आवाज है। सर दरवाजा खोलिए। देखा, आजकल लड़कियां भी चोरी करती है। कल जुग आ गया। तुम गुपचुप सो जाओ। हाँ। मैं उससे निबट लेता हूँ। अरे तुम कहाँ चले मेरे छैला, लड़की है इसलिए निबट लेते। इधर मरो बड़े आए। लड़की के साथ लड़का भी है। हाँ बाबा।
शिकल से देखिए मैं लड़का हूँ वो लड़की है। मेहरबानी करके ये बताइए कि आज रात में ठहरने की कोई जगह दे सकते हैं आप? ससुराल समझ रखी है क्या? तुम लड़के लोग लड़की लोग को भगा के लाते हमारी जान पर मुसीबत करने के लिए। सुनिए सुनिए, आप गलत समझ रही हैं, हम भागे हुए नहीं हैं। अच्छा, तो मतलब दोनों शादी शुदा है? मैं इंतजाम करती हूँ तुम्हारे लिए। अजी सुनते हो, अंदर ही रहना, सब समझ गए। आओ मेरे साथ नहीं आती। शर्म किस बात पर? तुमने उन लोगों से साफ साफ क्यों नहीं कहा कि हम दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं? मगर तुमने भी तो कुछ, आपने भी तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने सुना ही कब? इसमें मेरा कसूर क्या है? अगर उन लोगों की नजर में हम दोनों की जोड़ी अच्छी है तो आप थकी हुई नजर आती। आइए सो जाइए, बिस्तर तैयार। आइए आइए आइए। और तुम? डरिए नहीं, मैं बाहर सो जाता हूं। गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स। क्या हुआ? कुछ नहीं। सूरत तो बहुत अच्छी है,
आज नाम भी अच्छा होगा है, सूरत तो बहुत अच्छी है, आज नाम भी अच्छा होगा, आवाज वफा अच्छा है, अंजाम भी अच्छा होगा। ओह सुन ले दास्ता क्यों ना सता, छोड़ ये अदा ये तो बता, क्या है तेरा नाम क्या है पता। गुस्सा तो बहुत प्यारा है, अजी प्यार भला क्या होगा, हाय हाय हाय, गुस्सा तो बहुत प्यारा है, अजी प्यार भला क्या होगा, इनकार बहुत दिलकश है, इकरार भला क्या होगा। अरे सुन ले दास्ता क्यों ना सता, छोड़ ये अदा ये तो बता, क्या है तेरा नाम क्या है पता। आज एक नजर तो देखो, उल्फत का असर तो देखो, आज एक नजर तो देखो, उल्फत का असर तो देखो, ओ शोक हंसी हम बुरे नहीं, एक बार इधर तो देखो। ओहो सुन ले दास्ता क्यों ना सता, छोड़ ये अदा ये तो बता, क्या है तेरा नाम क्या है पता। सुनिए तो सही, पेट्रोल भर जाओ तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। कमाल है, मिली भी है और बिछड़ भी गई, कोई बात नहीं। ये लो भाई, पैसा हम सब ने दे दिया। हाँ? पैसा हम सब ने दे दिया। दे दिया, जवाब दे। शाम को आने वाली थी ना? हाँ मम्मी, वो तो मैं कहने ही भूल गई। रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और लाइटें भी फेल हो गई। जैसे मुझे खैरियत हुई, एक भला आदमी रास्ते में मिल गया जिसने मेरी मदद की, वरना सारी रात इंसान जंगल में काटनी पड़ती। दादी, माँ जी घर में नहीं है। कहाँ गई है? वो अपने पुराने मकान में चली गई है। हाँ? क्यों, क्या बात है मम्मी? कुछ नहीं। डैडी से कुछ खटपट हुई है। क्या बोलूं बेटी, मैंने उन्हें लाख मनाया, उनके हाथ जोड़े पाँव पड़ी, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। मैं दादी को लेकर आती हूँ। और तुम घर से रूठकर क्यों आ गई? दादी, मैं आती तो क्या करती? तेरे बाप ने जो रंग ढंग अख्तियार किया, वो मेरे से देखा सुना नहीं जाता। क्या किया पिताजी ने? तेरे बाप को सोने चांदी के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। उसकी आंखों पर शमशेर सिंह ने दौलत की पट्टी बांध दी है। ये सब बातें तो तुम्हें वहीं रहकर पिताजी को समझानी चाहिए थी। तुम घर छोड़कर क्यों चले आए दादी? अगर वो मेरी बात सुनता तो मैं घर छोड़कर क्यों आती? तुम समझदार हो रीता, तुम्हें अपने पिताजी को शमशेर सिंह की चालों से बचाना चाहिए। वो अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन दादी, मैं लड़की हूँ, पिताजी के मामले में कैसे बोल सकती हूँ? तुम अपने बाप की इकलौती बेटी हो रीता, अगर उसकी भलाई के लिए जरूरत पड़े तो बेटी का फर्ज भी पूरा करना। हुँ।
आपने मुझे बुलाया था? हाँ, माँ जी से मिला है। जी। मेरी तो बहुत शिकायतें कर रही होंगी। नहीं नहीं, देख तू पूना से आई उल्टे पांव चली गई। बहुत दिनों से मैंने तेरे लिए एक चीज बनवा के रखी है, तू देखेगी तो खुश हो जाएगी। ये देख, कैसा है? बहुत अच्छा है। 15,000 का है, वैसे पहन के तो देख। फिर पहन लूंगी। फिर क्यों, मैंने इतने शौक, ठीक है? उसके बूटे पे तुमने काम किया हुआ है? वो सोने क्या जो सोने ना दे। तू तो माँ जी जैसी बातें कर रही है। कुछ गलत कहा मैंने? हाँ देखो बेटी, समाज सोसाइटी में जिसके पास सोना नहीं उसकी कोई कदर नहीं। सोना दुनिया में सबसे कीमती चीज है। इंसान से भी ज्यादा, जान से भी ज्यादा। बेशक। इस तस्वीर को पहचाना आपने? हाँ हाँ, ये स्कूल में तुझे गाने पर मिला था। हाँ, और मैंने इसे उसी वक्त आपके कमरे में रख दिया था। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन आपने शायद इसे आज तक गौर से नहीं देखा। क्यों, इसमें क्या खास बात है? ये यूनान के बादशाह की मिदाद की तस्वीर है। ये भी जिंदगी में सबसे ज्यादा सोने से प्यार करता था। हाँ, यहाँ तक कि इसने एक दिन प्रार्थना की भगवान से, तो वो भी ये की कि भगवान तू मुझे वो शक्ति दे कि मैं जिस चीज को छूं वो सोने की हो जाए। भगवान ने सुन ली, वो जिस चीज को छूता था वो सोने की हो जाती थी। यहाँ तक कि वो खाना खाने बैठा तो खाना भी सोने का हो गया, पानी पीने गया पानी भी सोने का हो गया, घबरा कर अपनी बेटी को छुआ वो भी सोने की हो गई। इसके बाद उसने हिसाब किया कि वो गलती पर था, तो मुझे नसीहत कर रही थी। कहो कैसी हो? टेडी कहाँ है? वो जरा मुनीम के मामले पुलिस स्टेशन गए हैं। घबराने की बात नहीं, अभी आते हूँ। हाँ, वो तुम्हारा पूना का ट्रिप कैसा रहा? मेरी समझ में नहीं आता कि इस कंपनी में ऐसा क्या गोलमाल चला है जिसकी वजह से पुलिस ने तलाशी ली और कंपनी के तमाम बही खाते जब्त कर लिए। और शक की सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुनीम जी की मौत हो। ऐसे शक की केड़ी गल है? यही हो, उनके कमरे के लोग ये बोलते थे जी मुनीम जी को मिर्गी आती थी। हाँ, उन्हें मिर्गी की बीमारी थी। अगर उन्हें मिर्गी की बीमारी होती ना तो हम लोगों को भी मालूम होता भाई। लेकिन हो सकता है सर्विस से डिसमिस जाने के डर से उन्होंने नहीं कहा हो। मगर मैं उनके घर गया था और उनके घर वालों का यही कहना है कि मुनीम जी को मिर्गी का दौरा कभी नहीं पड़ा। ओए बनी प्रावा, मरण वाला तो मर गया, उन्हें ना गलत की फायदा। हाँ, क्या फायदा, मुनीम जी तो बेचारे चले गए, चाहे मिर्गी से चाहे खुदकुशी करते। खुदकुशी भला मुनीम जी क्यों करते? पुलिस के डर से। पुलिस का डर उन्हें क्यों, सेठ जी को होना चाहिए। न मिर्गी आई न खुदकुशी की, तब तो पक्का हो गया। की क्या बात? यही कि उन्हें किसी ने छत से गिरा दिया होगा। क्या बात क्या जी? ओए तू बंदा है घन चक्कर है, जुमा जुमा चार दिन नौकरी पाया, जो मुंह के बीच में आता है बक्के जाता है भाई। लेकिन सोचने की बात है, भले मुनीम जी जैसे वेरी गुड आदमी को छत से कौन गिराएगा? है जो उन्हें मारना चाहता होगा वो कौन है जी? मुझे तो मालिक भी जानता है। ये क्या बक रहे हो तुम लोग, ये कैसी पंचायत लगा रखी है? ये काम करने का वक्त है, मैं तुम लोगों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ। वो तो ठीक है सेठ जी, हम लोग मुनीम जी के बारे में, मुनीम जी के बारे में पुलिस सोचेगी, मैं सोचूंगा। तुम कौन हो, तुम्हें क्या हक है? सेठ जी, मुनीम जी हमारे साथी थे। आहो, वो हमारे बुजुर्ग थामा हमदर्द थे। यस सर। हमदर्दी दिखानी हो तो दुकान के बाहर जाओ, मुनीम जी के घर जाओ। जी मैं उन्हीं के घर से आ रहा हूँ और वहीं से ये पता लगा है कि पुलिस को जो बताया गया है वो गलत झूठ। क्या बकते हो? सही कह रहा हूँ सेठ जी, इसमें जरूर कोई राज है जिसे आप छिपाना चाहते हैं। खामोश, चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट। ठीक है, लेकिन याद रखिए मैंने झूठ के सामने झुकना नहीं सीखा है, और सेठ जी आपकी बेइंसाफी और जुल्म कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं, जिसे नौकर की तरह काम करना हो करे, वरना चले जाओ सब यहाँ से। जी हाँ चले जाते हैं, मगर देखेंगे कल से यहाँ पर कौन काम करता है। कामकाज बंद, हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक। स्ट्राइक।
सिंह, सिंह, मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया। तमाम कारीगर स्ट्राइक की धमकी देकर चले गए। वो रिटायर थे मिले? हाँ, लेकिन इस मामले में मैं क्या करूं? वो स्ट्राइक होगी, नुकसान होगा, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुसीबत क्या है? काम वाले और आ जाएंगे। तुम इसे मामूली बात मत समझो सिंह, मैं बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ। उन लोगों का शक यहाँ तक है, मुनीम जी का खून हम लोगों ने किया है। ऐसा कौन सोचता है? अरे वही बेनी प्रसाद है ना, वही बर्चा की बातें कर रहा था। मेरा ख्याल है उसी ने सबको बहकाया। बेनी प्रसाद, ईश्वर उनके बाल बच्चों को सुखी रखे। सिंह, भगवानदास तुमसे लड़की हो। हड़ताल? ये तू क्या कह रही है रीता बेटी, ऐसा तो अपनी दुकान पर कभी नहीं हुआ। लेकिन ये सब बातें मैंने खुद सुनी है। असल में उन लोगों का ख्याल ये है कि मुनीम जी को जानबूझ के मारा गया है। हे भगवान, अगर ऐसा है तो जरूर शमशेर सिंह की ही कोई चाल होगी। इसी बात पर पिताजी से बेनी प्रसाद की कहा सुनी हो गई और वो लोग काम छोड़ के चले गए। लेकिन हड़ताल से तो झगड़ा फसाद होने का डर है, और अब जो हालत है उससे पिताजी भी तैश में है और काम करने वाले भी। मैं सोचती हूँ बेनी के घर जाऊं, तुम भी चलो मेरे साथ, मैं समझाऊंगी तो वो मान जाएगा। तुम क्यों जाओगी? मैं जो हूँ मैं जाऊंगी, मैं समझाऊंगी, तो अकेली जाएगी। तुम्हीं ने तो कहा था कि मैं बेटी नहीं बेटा हूँ। कहाँ जा रहे हैं शेखर बाबू बंठन के? अरे भाई सब, ये लड़की कौन है? मैंने तो तभी नहीं देखा इनको। आप तो इधर जा रहे थे, इधर बदल गया। आप यहाँ? आप? जी हाँ, आपने करेक्ट पता लगाया, मैं यहीं रहता हूँ। मगर बेकार तकलीफ थी, आपने मुझे खबर दी होती तो मैं खुद हाजिर हो जाता। मैं आपसे मिलने नहीं आई। कमाल है, आ भी गए, मिल भी गए, फिर भी। देखिए मैं कहती हूँ यहाँ कुछ कहिए, वरना लोग समझेंगे कि आपस में झगड़ा हो रहा है। देन यू शट अप। ऑलराइट ऑलराइट, मगर सुनिए, चलिए घर चलिए, चाय वाय पीजिए, थकान मिटाइए, फिर इत्मीनान से कुछ आप कहेंगे, कुछ मैं कहूँगा। लेकिन मुझे आपसे कुछ भी कहना सुनना नहीं है, सीधे सीधे अपने रास्ते देखिए। मगर आप खुद ही मेरे रास्ते पर आएंगे। माय गॉड, मैं कल आ गई हूँ आपकी बदतमीजियों से। आपने कुछ मुझे कहा बहन जी? जी नहीं, माफ कीजिएगा, मैं चौधरी बेनी प्रसाद जी का मकान ढूंढ रही थी। वो सामने रहते हैं। मन्ना, क्या बेटा जी? देख बेटे, इन्हें अपने घर पे ले जाओ, ये तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए। माँ, देखो कौन आई है। नमस्ते, नमस्ते, आइए। मेरा नाम रीता है, मैं भगवानदास जी की लड़की हूँ। अच्छा अच्छा, मन्ना के पिताजी आप ही यहाँ काम करते हैं। बड़े धन्यवाद जो आज त्योहार के दिन आपके दर्शन हुए। बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना। देखिए आप तकलीफ न कीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ, चौधरी साहब से काम है मुझे, वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। मुझे तो बहुत जरूरी काम था। अच्छा अच्छा, मैं अभी पता लगाती हूँ। मन्ना, जरा अपने मामा जी को तो बुलाना। अभी बुलाता हूँ। पर ऐसी बात क्या है, आप भी घबराई हुई मालूम होती हैं, और आज वो भी दुकान से जल्दी आ गए, कुछ परेशान भी थे। क्या बताऊं, कारीगरों से पिताजी की कुछ कहा सुनी हो गई, इस पर उन लोगों ने हड़ताल की धमकी दी है। हड़ताल? तब तो कोई बड़ी बात हुई होगी। हुई तो नहीं, हाँ अगर हड़ताल हुई तो जरूर बात बिगड़ जाएगी। मैं यही बात चौधरी साहब से कहने आई हूँ कि किसी भी कीमत पर हड़ताल ना करें, वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ हो जाएगी? यही लड़ाई झगड़ा फसाद नौबत पुलिस तक पहुँच सकती है। देखिए सबकी भलाई इसी में है कि हड़ताल ना हो। दीदी, तुमने मुझे बुलाया? हाँ भैया, ये रीता देवी है, अपने सेठ जी की बेटी। अच्छा। और ये मेरे भैया जी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे ये तुम्हारे जीजा जी से मिलने आई हैं। ओ, मगर मैं तो समझा था कि दीदी जीजा जी तो कपूर साहब के कमरे में कुछ मीटिंग कर रहे हैं। अरे तब तो वही, देखिए इस बात को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तुम जरा इन्हें वहाँ पहुँचा। मैं तो पहुँचाऊँ दीदी, मगर आपसे जरा पूछ लीजिए कि मेरे साथ चलना पसंद करेंगी या नहीं। देखिए ये वक्त मजाक का नहीं है। तो तुम एक दूसरे को जानते हो? थोड़ा थोड़ा। आई आई, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। दीदी तुमसे कहना कि जल्दी घर वापिस आओ, त्योहार का दिन है, पूजा भी करनी है। अच्छी बात। अच्छा तुम उन्हें अपने साथ ही लेते हैं, तुम फिक्र ना करो। तो भाइयों कल से हड़ताल होगी। जनार्दन तुम सवेरा होते झंडा लेकर दुकान पर पहुँच जाना। अजी सवेरा क्या,
अगर आप लोगों ने फैसला ही कर लिया तो मैं रात को झंडा लेकर वहां जम जाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर समझौता हो जाए तो ठीक है। समझौता समझौता क्या रे, चुप कर बैठ रहा है। स्वामी ये है ना, ये सेठ का एजेंट मालूम होता है। आमा इसने की एजेंटी करनी है तो डरपोक है। मैं क्या चौधरी जी, तुम जनाब दर नूं खबर देने लोगों के कके बिच भेज दियो और हम तीनों झंडे लेके दुकान के बाहर खड़े हो जाएंगे। यस यू आर राइट, हम लोग शॉप का सारा सिचुएशन जानते हैं। हम तीनों आदमी तीन झंडो लेकर तीनों तरफ बैठेंगे जी। तुसी पूरब असी पश्चिम ए उत्तर। व्हाट अबाउट साउथ? स्वामी साउथ के बाजू दीवार है, वॉल। यस। फिर ताबेदारों की हुक्म है। काम तो सभी का है, जैसा मुनासिब समझे करें। ठीक है जनार्दन, तुम अभी सब कारीगरों को खबर कर दो और तुम लोग दुकान पर रहना। चलो जी तीनों झंडे लेकर खड़े रहेंगे। हड़ताल जिंदाबाद। चौधरी साहब जिंदाबाद। वर्कर जिंदाबाद। आओ चलो जी। ये तो सब काम चौपट हो गया है। हड़ताल हो गई तो माल का क्या होगा? पास तो तक लेकर पहुंच जाएगा मगर माल दुकान में रख नहीं सकती। फिर क्या किया जाए? मैंने तरकीब सोच ली है। कौन सी तरकीब? सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने ट्रक खड़ी करके बास को सारा हाल बता देंगे और हम लोग गोदाम में चले जाएंगे। मगर ट्रक आएगा कब? कभी भी आ सकता है। चलो उसका इंतजार करते। जीजा जी, ये आपसे मिलना चाहती हैं। नमस्ते रीटा देवी। नमस्ते। आप और इस वक्त यहाँ? जी हाँ, आज सुबह जो कुछ हुआ मुझे मालूम है। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप स्ट्राइक मत कीजिए, हड़ताल मत कीजिए। इसमें मालिक और काम करने वाले दोनों का नुकसान है। खामखा में दुश्मनी होगी और बदनामी भी। देखिए आप हमें समझाने के बजाय बेहतर होता कि अपने पिताजी को समझा देती। पिताजी को तो मैं समझा देती लेकिन देखिए ये मालिक और कारीगरों का आपस का मामला है, देर अधेर आपसे आप सुलझ जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा नमस्ते। मगर आप कहाँ जा रहे हैं? दीदी ने आपको अभी बुलाया। शेखर मुझे एक बहुत जरूरी काम है। तो ठीक है घर होकर जाइए, त्योहार का दिन है। दीदी ने मुझसे कहा था आपको साथ ले जाना। ठीक है मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। और देखो शेखर इन्हें इनके घर छोड़ते जाना, रात का वक्त है। ठीक है। अच्छा नमस्ते। रात का वक्त है, चलिए। जानते हैं आप, आपकी इस हरकत पे मैं आपको कानून के हवाले कर सकती हूँ। भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए जब कानून हमेशा के लिए हमें एक दूसरे के हवाले कर दे। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। चांद क्यों तकता है, मुझे चांद क्यों तकता है, मेरा कौन ये लगता
मुझे शक यही होता है मेरे चांद से जलता है। दिल छेड़ दे साज़े दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, दिल छेड़ दे। तेरे दर पे सर झुक जाए, तेरे दर पे सर झुक जाए, यही जिंदगी रुक जाए। कली दिल की ये खिल जाए, कली दिल की ये खिल जाए, खुशी प्यार की मिल जाए। कभी फिर गमीन आए, कभी फिर गमीन आए। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। मजाल थी कि आज की मीटिंग में हड़ताल का फैसला होता। दुकान पर उसने अपने आदमी भेजे ही हैं और काम करने वालों के घर पे खबर कर दी है कि कल से कोई काम पर ना आए। दैनिक को मालूम ये नहीं था कि जो बास के रास्ते में आने की कोशिश करता है उसका वही हाल किया जाता है जो मुनीर का हुआ। तो अब माल का क्या किया जाए बास? दुकान पे नहीं ले जाते, अब अड्डे पे ले जाते हैं। ताबेदाराने की हुक्म है। आज का माल बहुत कीमती है, जरा होशियारी से ठिकाने लगा देना। Thank you.
क्या मतलब? क्या मतलब? क्या कर रही हो तुम? दीदी मैंने किसी के लिए बिगाड़ा क्यों पूछ लिया मेरी मान तो सही दीदी क्या हुआ चीज को दीदी तुम साथ ले आते तो क्यों होता है क्यों होता है क्यों मुझे हमेशा के लिए छोड़ जाते भगवान मुझे लूटा नहीं तुम यार ये सब बहुत कैसी बहुत अफसोस की बात है शेखर बाबू सर रात को अभी साहब का एक्सीडेंट हो गया हाँ साहब आपको शनाखत को पुलिस से जाना ही होगा सर जनाते तुम दीदी के साथ रहो दीदी मैं अभी आया क्या बात है तुम सब लोग इस तरह क्यों खड़े सर जी अपने बहनी प्रसाद जी मर गए क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं सर जी मैं डॉक्टर की लाश पाई गई और लोग कहते हैं कि दाल में कुछ काला है दाल में काला यही क्या वो मरे नहीं मर गया उन्हें मारा गया अच्छा अच्छा तुम सब कहां पे जाओ जाओ हेलो हाँ मैं भगवान दास बोल रहा हूँ रीता को पुलिस स्टेशन ले गए रीता को पुलिस स्टेशन ले गए क्यों वो चौधरी का एक्सीडेंट हुआ है ना अरे रीता का इस एक्सीडेंट से क्या ताल्लुक आप जल्दी से पुलिस स्टेशन जाइए लेकिन आप ये सब बात मुझको क्यों पूछते हैं ये कि कल शाम आप मरहूम चौधरी बेनी प्रसाद के घर गयी और उनकी पत्नी से आपने कहा वो चौधरी को स्ट्राइक करने से रोके फिर आप शेखर के साथ खुद चौधरी से मिली और उन्हें मजबूर किया कि वो स्ट्राइक न करे और रात ही वो एक्सीडेंट के शिकार हुए क्या आपके पिताजी ने आपसे कहा था कि आप खुद चौधरी से मिले और उन्हें स्ट्राइक करने से रोके इंस्पेक्टर बिलीव मी क्या आप अपने पिताजी को कारोबार के मामले में सलाह मशवरा दिया करते हैं जी नहीं मैं तो नहीं मिस्टर सिंह मिस्टर सिंह कौन है जी वो डैडी के दोस्त है इसलिए शायद कभी बट वो मुझसे कभी कुछ बोले नहीं देखिए मिस रीता आपके पिताजी की फर्म के मुनीम और चौधरी के एक्सीडेंट जिन रात में हुए उससे पुलिस को पूरा शक है कि इसमें जरूर कोई राज है इसलिए हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं मुझको कुछ नहीं मालूम तो इसका मतलब है ना आपको स्ट्राइक के बारे में कुछ मालूम है ना मुनीम और चौधरी की मौत के बारे में कुछ जानकारी और ना अपने पिताजी के दोस्तों की असलियत का अंदाजा नहीं इंस्पेक्टर हम भगवान से यह प्रार्थना करते सब स्वर्ग में चौधरी जी को अच्छा जगह मिले और हम तीनों को शांति मिले शांति शेखर जी ये रब का जुलम है रब ने चुकना सी तो स्वामी भी चुक लेता पिंटो ने चुक लेंदा तुहानू चुक लेंदा मैंने चुक नहीं 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 चौधरी जी दी जान छड़ लेंदा रब इस दुनिया विच सेठ ना होंदे ते ना चौधरी जी दी जान जांदी चौधरी जी इन अमीर लोग ने गरीब आदमी को जिंदगी को टॉय समझ रखा है शेखर शेखर रीता देख लिया तुमने ऐसे लोगों से मिलने का नतीजा कल अखबारों में आएगा कि सेठ भगवान दास की लड़की पुलिस स्टेशन में बुलाई गई खूब तुमने मेरी इज्जत बढ़ाई है अब सीधी तरह घर चलो चलो नंबर 40 वही दोनों यस सर चलो उस वक्त तुम लोग कहाँ थे जब एक्सीडेंट हुआ बादशाह फैक्ट्री के बीच में क्या कर रहे थे चौधरी साहब हमको उधर बैठने को बोला था हम बैठा था एक्टिंग कर रहे थे नहीं सर हम झंडिया पता को स्ट्राइक कर रहे थे जी चौधरी साहब तुम्हें बैठा कर कहाँ चले गए बादशाह हमको ये मालूम होता तो चौधरी की जान बचाने के लिए हम अपनी जान ना दे देते तुम कितने साल से फैक्ट्री में काम करते हो जी मैं 2 बरस से ये 3 बरस से ये 5 बरस से 5 ईयर्स तुम 5 साल से काम करते हो यस सर हम सॉरी सर रहते कहाँ बादशाह फुटपाथ पे हाँ जी वो फैक्ट्री के पीछे सोते हैं नहीं तो रेलवे के प्लेटफार्म पे सोते हैं रेलवे के पट्टे पे सोते हैं कहीं भी सो लेते जी शादी हुई है तुम्हारी बादशाह साडा व्याह होया होंदा तो सिर्फ अपनी वोटी देना ना होंदे हमें दिनों कुवार है सर बैचलर सर सिंगल बादशाह ये मोहब्बत ते शादी लफड़े जैसी पहन रहे ही नहीं चौधरी नु मैं 20 बारी क्या बोलते क्यों नहीं जाओ तो ए तुम बोलो
वो सर क्या नाम, हम कसम खाएला, हमको बाइगोट कुछ नहीं मालूम। असली कसम खा दी है, हमें सभी कसमा खा को बैठे सो। देखो ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ कसम वसम नहीं चलेगी, समझे? बट वी आर वेरी हेल्पलेस सर। रुको मत, ठीक ठीक जवाब दो वरना याद रखो हालात में बंद कर दिए जाओगे। व्हाट आई यू अब्दुल? जी सर। बंद कर दो सबको। भाई साहब तो कुछ मामला सी। कैसा मामला? सब गड़बड़ सर। क्या इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत लव रोमांस? किसे? अब वो मेरी लाइन पे एक चेची का छोकरी था, उससे कुछ वो क्या नाम था उसका? भाई साहब ना तो मालूम नहीं, मगर वो कहते सी कि वो मेरे मन के अंधेरे बिच दीप जलाती है। तुम कैसे जानते हो? वो कहने वो मैच ओ स्वामी कसम टूटे अभी बोलते हैं क्या बोलते हो? बोलो जी। देखिए सर बात ऐसा है, उस दिन अपने स्वामी का बर्थडे था, तो हम दोनों भाई मिलके चंदा करके चाचा रहना उधर पाव का डिनर अरेंज किया था। तुम उसको बोलो तुम भी आओ। बोला नहीं अब नहीं आएगा, हम बाहर प्रवेश किया है, टिक्की मार के टैक्सी बुलाया। बैठा टैक्सी का नंबर क्या था? टैक्सी का नंबर हमको मालूम है जी। टैक्सी का नंबर अभी हमारे टैक्सी का नंबर काशो बेबी टैक्सी। अजीब बेवकूफों से भरा पड़ा है, बेबी टैक्सी का नंबर नहीं होता क्या? होता जी, टैक्सी का नंबर है वो बी एम आर, हम देखे तो दूसरा नंबर हमको मालूम नहीं। तो ऐसा मारो ना। यस सर। नाम क्या था? चौधरी बेनी प्रसाद। उसका नहीं तुम्हारा? गरीब सिंह दो सौ पिंटो। और मेरा जी आड़ा गप्पन। आड़ा गप्पन भाग यहां से। सर हमारा लीडर का जिसने खून किया ना वो कातिल का जरूर पता निकालो जी। प्लीज डोंट फॉरगेट इट सर, प्लीज प्लीज। बादशाह साड़ा माई बाप है। बकवास भागो यहां से। छुओ मेरे बेटे को। दीदी अब कौन सा सुख बाकी रह गया जो देखने आई हो? कह रही हूं दीदी, कल इस घर में तुम्हारे ऐसे पैर पड़े मेरी दुनिया ही बर्बाद हो गई। मांग का सिंदूर मिट गया, मेरे सुहाग लुट गया। आज कौन सा अपजुगल लेकर आई हूं? क्या मेरी गोद भी सुनी करना चाहती हो? चली जाओ, चली जाओ यहां से। शेखर तुम ही बताओ कैसे समझाऊं इन्हें। रीता देवी बेहतर यही है कि आप यहां ना आए। किसी कहां गए थे? चौधरी साहब के घर। मैंने मना किया था फिर भी उनकी पत्नी से मिलने गई। बताने गए थे जी उसके भाई से मिलने। तो वहां जाती बदनामी हमारी। लोग कहते हैं भगवान दास की बेटी अरे घरे फालतू छोटे लोगों से। मुझे भी यही सुनना पड़ता है, लोग कहते हैं रीता के पिता जासूस बदमाश और नीच लोगों से मेल जोल रखते हैं। रीता रीता कान खोल कर सुन लो, शेखर से तुम्हारा मेल जोल मुझे बिल्कुल पसंद। तो आप भी अच्छी तरह सुन लीजिए, ये आपके सिंह साहब से आपका मेल जोल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं समझ गया तुम किसके इशारे पर चल रही हो। तो पिताजी अच्छी तरह सुन लीजिए, मैं भी समझ गई हूँ कि आप बदतमीज दरिया पी मत। ये क्या किया आपने? जितना लाड करो उतने सिर पर चली जाती है, गलती खुद करती है और इल्जाम मुझ पर लगाती है। मेरे दोस्तों पर कीचड़ उछाड़ती है, उन्हें बुरा भला कहती है। जवान बेटी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। मैं अपने निजी मामला में किसी का दखल नहीं चाहता। सिंह मेरा खास दोस्त,
उसके खिलाफ मार दी थी रीता को, किसी ने भी कुछ नहीं सुना था, समझी? अपने ही तो भले बुरे की राय देते हैं। ओ, तुम भी हम लोगों का साथ दे रही हो? नहीं नहीं, ये बात नहीं। कहाँ जा रही हो बेटे? मैं भी इस घर में नहीं रह सकती। माँ माँ बाप की बातों को बुरा नहीं मानते बेटा, किसी नीच बदमाश की खातिर अपनी बेटी के मुंह पर थप्पड़ मारने से पहले माँ बाप को भी सोचना चाहिए। रीता अपनी जबान बंद करो। मेरी जबान बंद हो जाएगी, लेकिन याद रखिए इस सिंह की तरह ये सिंह आपको खुल जाओ। निकल दो मेरे सामने से, जाओ। याद क्या कर रहे हैं, रोकिए मेरी बच्ची को। रीता जाओ, तुम भी चली जाओ, हद से ज्यादा मत छोड़ो, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जाओ जाओ। सोना दुनिया में सबसे कीमती चीज है। इंसान को ले जाएगा, जान को ले जाएगा। वो सोने क्या जो सोने न दे। कुछ गलत कहा मैंने? ये यूनान के बाद क्या तीन मिजाज की तस्वीर है, जिसे जिंदगी में सबसे ज्यादा सोने से प्यार करता था। यहाँ तक कि इसने एक दिन प्रार्थना की भगवान से, तो वो भी ये की भगवान तू मुझे वो शक्ति दे कि मैं जिस चीज को छूं वो सोने की हो जाए। भगवान ने सुन ली, वो जिस चीज को छूता था वो सोने की हो जाती। रात को तुम खैर तो है, क्या बात हुई? कल रात यूनियन लीडर चौधरी का खून हो गया। अच्छा, बहुत अफसोस है। खैर आओ बैठो। बनने की कोशिश मत करो सिंह, आज मुझे यकीन हो गया कि मुनीम और चौधरी का खून चाहे किसी ने भी किया, लेकिन इसमें तुम्हारा हाथ जरूर है। अब तक तो सिर्फ मेरे कहने का यकीन होता था, आज क्या हुआ मेरे बताए बगैर यकीन हो गया? लाख पर्दा डालने से गुनाह नहीं छुपा करता। मैंने तुम पर यकीन किया, तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हारे लिए अपनी मां को छोड़ अपनी बेटी को ठुकरा दिया। मुझे नहीं मालूम था कि इतने बड़े पाप का बोझ तुम मेरे सिर पर ला रहे हो। अब तो मालूम हो गया। और रहे पाप की बात, जैसे मैं तुम्हारा बिजनेस आती हूँ,
वैसे पाप दे दिया। लो सिगरेट पियो। हटा दे सिगरेट। मैं तुमसे ये कहने आया कि मैं तुम जैसे आदमी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। आज से हमारे तुम्हारे ताल्लुकात खत्म। तुम्हारे लिए चोरी करूं और तुम्हारे सामने चोर बनूं? जानते हो तुम्हारे बिजनेस का दारोमदार किस पर है? मुझ पर। मैं ये बिजनेस ही बंद कर दूंगा। इसलिए कि तुम्हारी तिजोरियां दौलत से भर चुकी हैं, तुम्हारा पेट भी और तुम्हारी नीयत भी। लेकिन ये ख्याल तुम्हें उस दिन क्यों नहीं आया जब तुम जौहरी बाजार में एक छोटी सी पेड़ी लेकर बैठा करते थे और वहां के बड़े बड़े सेठों की तरफ ललचाई हुई निगाह से देखा करते थे? तुमने एक तोले सोने में एक रत्ती मिलावट करके वहां के छोटे छोटे लोगों के साथ बेईमानी की। तमाम जौहरी बाजार को तुम पर 100 रुपए के लिए यकीन नहीं था। किसने अपनी होशियारी और अकलमंदी से तुम्हें जमीन से उठा के आसमान में बिठाया? किसने तुम्हें इज्जत दी? किसने दौलत को मजबूर किया कि तुम्हारे कदमों को चूमे? इनकार कर सकते हो? आज तुम्हारे पास धन दौलत मकान जागीर यहां तक कि बैंकर हो गए। सब किसकी वजह से? मेरी वजह से। इनकार कर सकते हो? नहीं। अगर मैं तुम्हें नहीं मिलता तुम 7 जन्म नहीं उठते। लेकिन मैंने क्या किया? तुम छोटे लोगों से बेईमानी करते थे, मैंने तुम्हारा ख्याल बड़े लोगों तरफ किया। लेकिन आज तुम अपने गरेबान मुंह डाल के नहीं दे सकते क्योंकि सेठ भगवान दास बन गए हिंदुस्तान के सबसे बड़े जौहरी। लेकिन भगवान दास जी ना बोलो, जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। मैंने तुम्हें बनाने के लिए किस किस की मदद ली वो शायद तुम नहीं जानते। जानना चाहते हो? चलो। घबराओ मत, मैं भी तुम्हारा दोस्त। आइए साथ ही तुम्हारे चलो।
ये हैं वो लोग जिन्होंने तुम्हारी सोने की सल्तनत कायम की है। अगर तुम बिजनेस बंद कर दोगे ये लोग भूखे मर जाएंगे, और अगर तुम्हें जिंदा रखने के लिए ये औरों का खून कर सकते हैं तो खुद जिंदा रहने के लिए तुम्हारा तो क्या मेरा भी खून कर देंगे, और मुझे अभी इतनी जल्दी मरने की कोई ख्वाहिश नहीं है। नहीं भैया, मैं उन तीनों की बात कर रहा हूँ, पिंटू, आड़ा गपन और गरीब सिंह। वो लोग बेफायदा झूठ बोल ही नहीं सकते। वही फायदा मालूम करने में तुम्हारा फायदा है, और इस बात का पता उन तीनों का पीछा करने से ही लग सकता है कि वो लोग कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और क्या करते हैं। सोलाने ठीक, बस अब तो एक ही रास्ता है शेखर भैया कि तुम इधर की खबर लो और मैं उधर की खबर लेता हूँ, और उधर इधर मिल गए तो खून नहीं जाएगा किधर। अरे अरे शेखर भैया, जिसका पीछा करना था उसका पीछा तुमने किया ही नहीं, रीता देवी का। मैं बक नहीं रहा हूँ शेखर भैया, ठीक कह रहा हूँ। भला इसी में है कि तुम रीता देवी से मेल जोल बढ़ाओ और अंदर की बातें जानने की कोशिश करो। रीता, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मगर तुम्हें मेरी परेशानी भी तो समझनी चाहिए। तुम तो जानते हो मेरी एक ही बहन है, उसका बेटा मुझसे रोज पूछा करता है, मामा कब मेरे बाबूजी आएंगे, कब मेरे बाबूजी आएंगे। अब तुम ही बताओ मैं क्या जवाब दूं। अब ये चाने मुझ पर असर नहीं कर सकती। रीता, भगवान के लिए मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि। गेट आउट। कौन? जी मेरा नाम शेखर है, नमस्ते। हाँ हाँ बेटा, बड़ा दुख हुआ तुम्हारे जीजा का सुनकर, लेकिन राम जी की मर्जी है। यहाँ तो भले आदमियों का यही हाल होता है, और काफी आदमी सुख से रहते हैं जी। और क्या बेटा, ये सिंह इंसान नहीं आस्तीन का सांप है, न जाने कब मेरा बेटा भगवान दास इसकी दोस्ती छोड़ेगा। फायदे नुकसान का हिसाब हो रहा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? दुकान की चाबियां लेंगे। क्यों? सामान लेकर ट्रक आ गया। और सामान जा जहन्नम में, मैं तुम्हारा कोई बात। भगवान दास, तुम्हारी मेरी इतने दिनों की पार्टनरशिप खत्म हो गई। पार्टनरशिप चल जाना। मालूम होता है छुट्टी को पढ़ने कल आए हैं। नमस्ते हरे। कैसी हैं? ठीक। अच्छा भगवान दास, मैं चलता हूँ, और जो कुछ आपने कहा है उस पर गौर कर लेना, फिर कल मिलेंगे। घर में कोई है भी या नहीं? रात ज्यादा गुजर चुकी है, मेरे ख्याल में सब सो रहे होंगे। शायद इस भगवान दास के बच्चे ने कुछ गड़बड़ की हो, उसे कह देना मैं यहाँ पर नहीं हूँ। माफ कीजिएगा, इस वक्त तकलीफ दी आपको, जरा मिस्टर सिंह से कहिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर सिंह, परेशानी तो होगी, लेकिन अगर सो भी रहे हो तो उन्हें उठा दीजिएगा। वो तो घर में नहीं है। आप सिगरेट बहुत ज्यादा पीती हैं। छोड़ना मांगता लेकिन छूटता नहीं। लेकिन एक साथ दो दो। ओह, बुझाना भूल गई। चेन स्मोकिंग करती इसलिए आधा पीती, अदरवाइज नुकसान करता। खैर, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, माफी चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छा फोटोग्राफ है। कौन है ये साहब? आप नहीं जानते, यही है मिस्टर सिंह। ओह आई सी, क्वाइट हैंडसम। अच्छा, हम लोग चले। ओके मिस। माय नेम इज लिली। गुड नाइट मिस लिली। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
लड़की काफी तेज और होशियार मालूम पड़ती है। इस वक्त मैं मिस्टर सिंह के बारे में सोच रहा हूँ। इसी शक्ल का एक दूसरा फोटोग्राफ हमारे वांटेड क्रिमिनल फाइल में भी है। अच्छा, मुझे शमशेर सिंह कहते हैं। मेरे मकान पे कल शाम को कोई इंस्पेक्टर आए थे। जी हाँ, मैं ही आया था और मेरे साथ जेवी थे, इंस्पेक्टर वर्मा। हेलो इंस्पेक्टर वर्मा, मुझे अफसोस है मैं कल शाम घर पे नहीं था, इसलिए मैं हाजिर हुआ। कोई बात नहीं, बैठिए। वेल मिस्टर सिंह, अगर आप की तरह हर आदमी पुलिस की मदद करने लगे तो हमारी बहुत सी मुश्किलें आसान हो। खैर, फरमाइए। आप भगवान दास को कब से जानते हैं? ये कोई 3-4 साल से। बिजनेस में आप उनके पार्टनर हैं? जी नहीं, वो मेरे दोस्त। और गहरे दोस्त होने के नाते शायद आप मुनीम और चौधरी के खून के मामले में कुछ रोशनी डाल सकते। खून? मैंने तो अखबारों में पढ़ा था कोई एक्सीडेंट से मरे हैं। यही तो सवाल है कि ये एक्सीडेंट हुए कैसे? किसने मुनीम को छत से गिराया और किसने चौधरी को ट्रक नीचे दबाया? अच्छा, तो आपका ये ख्याल है जी, तो आपको खूनी को फौरन पकड़ना चाहिए। वेल मिस्टर सिंह, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, आपने ये नहीं बताया आप खुद क्या बिजनेस करते हैं। बुजुर्गों ने मुझे कुछ इतना छोड़ दिया है कि मैं आराम से खा रहा हूँ और कभी कभी रेस्ट चला जाता हूँ। तब तो काफी हाथे हूँ। इंस्पेक्टर, हार तो मैं जिंदगी में बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। चोरी का माल कभी चल सकता? सीधे खड़ा रहो। आपने आने की तकलीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया। तकलीफ कोई बात नहीं, जब आपको मेरी जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। मैंने उसको वेरी 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 गुड। माई बाप हो, इस कानून नौकरी तो क्यों खारिज कर देता है? हमारा छोटा छोटा बच्चे लोग भूखा मर जाएंगे सर। हम तो आपका मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है। जी, हम पर दया करो जी, हमारा ऐसा कौन सा कसूर हुआ सो? तुम लोगों ने क्या कसूर किया है तुम लोग खुद जानते हो। नो सर, हम नहीं जानते। सर यकीन करो जी। जी, हम तुम्हारा सेवक है जी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग इतने जलील और कबीले हो, मैं तो तुम लोग कभी काम न देता। मैं बादशाह, ये नौकरी तो साढ़े सिंह साहब की बदौलत नहीं है। सिंह के पास आइंदा अगर कभी इस तरह का रुख किया तो मैं एक एक पुलिस के हवाले कर दूंगा। शेख जी नमस्कार। बादशाह राम राम। मैं क्या जी, एक जी सेठ बड़े वेखे ने। अयो, वो हमको क्या बोला जो सेठिया, तुमको कौन इसको पकड़ को देता? आज मैं तुम खाली पीली डर गया, हमको डरा दिया, हम उसको फाइट देने वाला होता। मालूम कोई गल नहीं, आज बच गया है, फिर वेख लांगे। यस यस। अरे तुम लोग यहाँ? मेरा मतलब है किसे देख लोगे? अयो, किसे देख लेंगे? जो सेठिया को देख लेंगे रे। साढ़े ना बड़ी बेन साफी की थी। हार्ट मैन विदाउट नोटिस हमको डिसमिस किया है, उसका ग्रैंड फादर का राज नहीं है। कमाल जी, चलो जी। यस गो जी, देख ही चलेंगे। जनार्दन, अरे उधर क्या देख रहे हो? उन तीनों को देख रहा हूँ। क्या मतलब? उन्हें मैंने सिंह के घर में जाते हुए देखा था। हाँ? वहाँ घंटा भर इंतजार करता रहा। हाँ? पता नहीं चला कहाँ गायब हो गए। अब देखता हूँ तू यहाँ मौजूद है। अरे भाई, इसमें उलझन की क्या बात है, हो सकता है पिछले दरवाजे से निकल गए होंगे। उस मकान में पीछे दरवाजा नहीं, दीवार है। दीवार है? हाँ। तो फिर कोई छुपा हुआ रास्ता हो। यही तो मैं सोच रहा हूँ। ये छुपा हुआ रास्ता क्यों? जरूर कोई राज है, हमें तो सिंह का पीछा करना चाहिए। हेलो, मैं सिंह बोल रहा हूँ। अदावर भाई, मैं शांति फ्लैट बोलता हूँ। कब आए तुम? मैं आज ही तशरीफ लाया हूँ और कल जा रहा हूँ। जरा आपसे बिजनेस के बारे में कुछ बातचीत करनी है, इसलिए मैं आपके घर तशरीफ ला रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, यहाँ मत आओ, बल्कि सुनो, तुम एग्जीबिशन के बाहर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में पिकअप कर लूंगा। हेलो हेलो, एग्जीबिशन? अंधा है क्या? हाँ सेठ, माफ करना, हूं तो अंधा ही। सेठ, जरा फुटपाथ तक छोड़ दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। आओ,
जाओ। भगवान भला करे। आजकल पुलिस का कुछ और ही प्रोग्राम हो गया है। इस कदर चालाक हो गई है कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या होता है, क्या बात होती है, सारा रिकॉर्ड होने लगा है। यहाँ भी नहीं बल्कि पुलिस मेरे घर आने लगी। लेकिन आपको इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? फिर भी होशियार तो रहना पड़ता है ना। बहरहाल आपका बिजनेस? तो बिजनेस स्टॉक खत्म हो गया है, इन्हें चाहिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन लेकिन डोंट वरी, टेक दिस कैश 2 लाख इन एडवांस। तो अब आप ऐसा करिए कि आप मुझे 9 बजे शालीमार को मिलो। लीजिए, आपका होटल आ गया। तू मेरे को इंग्लिश फिल्म बता ना। जा रे, तेरे को शर्म नहीं आता? तो जुए में सब पैसा जीत लिया और जेब में एक पैसा नहीं, तेरे को सिनेमा बताओ। तू जा रे, मैं जाकर सो जाता। लिली को बुलाओ, तुम मुझे वहीं मिलना।
क्या हुआ स्वामी? ये क्या कर रहे हो? अरे ये तो हॉर्न बज रहा है। हाँ माँ, कौन बज रहा है सो? हे मिस्टर, व्हाट इज दिस नॉइज? गाड़ी किसने अंदर रखी? बेवकूफ, दरवाजा खोलो। ये हरन कैसा चिटक गया सो? यूं ही चिटक गया था। शक के नहीं सबूत की जरूरत होती है मिस्टर शेखर। मगर बैठिए, बैठने का वक्त नहीं इंस्पेक्टर साहब। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो सिंह बाजी मार लेगा। सिंह? हाँ सिंह, सेठ भगवानदास का फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज उसके राज का पर्दाफाश हो जाएगा। कौन सा राज? आपका यही वो सवाल है जो हर सवाल का जवाब होगा। होटल शालीमार में वो हीरो का एक बहुत बड़ा सौदा करने जा रहा है। आप रंगे हाथों उसे गिरफ्तार कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। ऑपरेटर, जी जी हाँ, आपका हुक्म सर, आंखों पर आप बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे, सब इंतजाम ठीक होगा। थैंक यू। क्विक टाइम पे आया? मैं भी अभी आया, बातचीत खत्म कर दी। बिजनेस तो होता ही रहेगा, पहले कुछ खाना पीना हो जाए। वेटर। यस सर। कम नियर, आप क्या लेंगे? पहले आप ना मार उठाइए।
झुक जाना, जुबां का रुक जाना, किसी को मेरी जान मोहब्बत कहती है। का झुक जाना, जुबां का रुक जाना, किसी को मेरी जान मोहब्बत। इंस्पेक्टर यस, वो है दौलत। या खुदा मदद, पुलिस आई होगी। पुलिस से वो डरे जो गुनाह करे। लेकिन नमस्ते मिस्टर शमशेर सिंह। नमस्ते सर। माफ कीजिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है। तशरीफ रखिए। जी नहीं, आप जरा मेरे साथ ऑफिस तक चलिए। जरूर, शॉप से। हुजूर, आप क्या? इंस्पेक्टर साहब, मेरे से क्या आपको काम है? मैं तो परदेसी हूँ, यहाँ बिजनेस करने आया हूँ। हुजूर, मुझे भी आपसे कुछ बिजनेस। बिजनेस आप सर? जी आई चलिए। बिजनेस और पुलिस, या खुदा। अब्दुल जी सर। मैनेजर साहब, आपने जो पुलिस की मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, इसमें शुक्रिया की क्या जरूरत थी, ये तो मेरा फर्ज था। पास कुछ नहीं। ठीक है, माफ कीजिएगा, हमने आपको बेकार कर दिया। तकलीफ क्या दी आपने हमारी हद तक की। I'm so sorry. It's all right. मिस्टर शेखर, आपने झूठी खबर देकर पुलिस वालों को परेशान किया। जी? ना इनके पास नोट बरामद हुए, ना ही रहे। इन दोनों ने जरूर कोई चालबाजी की। इन दोनों ने जरूर कोई चालबाजी की। किबला, तो आप हैं जिसने हमारी शिकायत की। अल्लाह कसम, मैं आपके ऊपर हद तक इज्जत का दावा कर दूंगा। आपकी हमारी जान पहचान तो नहीं है, तो आखिर आपने ये मजाक मजाक क्यों किया? आखिर आप हैं कौन? ये है मिस्टर शेखर, मरहूम बेनी प्रसाद इनके जीजा थे। ये बेचारे बेनी प्रसाद के साले हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने खुद इनके गाड़ी में छुप कर इन दोनों की बातें सुनी। कोई ताज्जुब नहीं है इंस्पेक्टर साहब, इनके दिमाग से अपने बहनों की मौत का सदमा अभी तक नहीं गया है। आप इनका इलाज करवाइए, और अगर रुपए की जरूरत है मैं हाजिर हूँ। यू सॉरी जेंटलमैन। सॉरी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, लोगों में कॉमन सेंस होती नहीं। यू आर वेरी मच। ज्यादा चोट तो नहीं आई? नो, बहुत दर्द है। सोचता है फ्रैक्चर तो नहीं होगा। आप घबराइए नहीं, ऐसा कीजिए आप डॉक्टर के पास फौरन चले जाइए, मैं आपके लिए टैक्सी बुला देता हूँ। मेरी गाड़ी उधर है। अच्छा, आइए आइए मेरे साथ। ये मेरी गाड़ी है। आई एम एम सर संभाल के ड्राइवर। अरे
ड्राइवर नहीं, अब मैं कैसे ड्राइव करूंगी? आए मेरे पैर में दर्द है। इसीलिए तो मैंने कहा था मैम साहब के गाड़ी को यहाँ रख दीजिए और टैक्सी में चले जाइए। ओह नो, आजकल गाड़ी चोरी हो जाती है, चोर लोग साथ निकाल के भाग जाते हैं। एक्सक्यूज मी, आपको ड्राइविंग आती है? जी हाँ, ड्राइविंग तो आती है मगर आप मेरे लिए इतनी तकलीफ किया, प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए। सिर्फ 15 मिनट्स का ड्राइव, प्लीज। डोंट वरी, मैं आपकी वापसी के इंतजाम अच्छा कर दूंगी। अच्छी बात है, आइए आइए, चलिए। जी मेरा नाम शेखर है, नमस्ते। नमस्ते। आज ये ना मिलते तो हमारा लाइफ मुश्किल में होता। What happened? हम रास्ते पे गिर गया, इन्होंने हमारा हेल्प किया। Oh, so very kind of you, Mr. Shekhar. कोई बात। Please sit down. शुक्रिया। मिली, हम समझते फ्रैक्चर हुआ। नहीं नहीं, आप फिक्र ना कीजिए, मेरे ख्याल में आपके पाँव में मोच आ गई। तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया? हम अभी फोन करते हैं। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर, मिली स्पीकिंग। शिकार का क्या हाल है? नॉर्मल। उसे वहीं रोक कर रखो, मैं भी पहुंचता हूँ। That's right. लिली, डॉक्टर बोलता पेशेंट ज्यादा है, हम नहीं आ सकते, इसलिए वो तुमको वहाँ बुलाया है। अच्छा, तो हम ड्राइवर के साथ जाते हैं। तो अब आप मुझे भी इजाजत दीजिए। ओह नो, प्लीज डोंट। मिली, तुम्हें नहीं जाना देना, हम कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? ये कैसा हो सकता है? आपने हमारी मदद की है, प्लीज। अल्बर्ट, कोल्ड ड्रिंक लाओ। यस मैम साहब, ये क्या डालता है मैम साहब? बेहोशी की दवा, ये मिली के रूम में ले जा रहा है क्यों दीवानी,
बता दूं जिंदगी क्या है। देख लो, ये मौका नहीं मिलेगा। मेरे दर्शन सिर्फ मौत से पहले होते हैं। मौत मेरी नहीं, तुम्हारी। बस गोली मार दो। नहीं, हमारे जुबान में मौत का दूसरा नाम है एक्सीडेंट। फिर ले जाकर लेटर फेंक दो। ओके बस। ज़्यादा बढ़ गया है। सुबह दोपहर शाम आप जब चाहते मुझे यहाँ बुला लेते और सरेआम मेरी तलाशी करते। आखिर मैं पूछ सकता हूँ मेरा जुर्म क्या है? काफी नाराज नजर आते हैं आप। आपने मुझे मजबूर कर दिया है। तशरीफ रखिए। किसे पहचानते हैं आप? ये कौन साहब है? आपके छोटे भाई या इंस्पेक्टर साहब? मेरे कोई छोटा बड़ा भाई नहीं है, मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ। इस फोटो में फर्क सिर्फ इतना ही है कि अगर दाढ़ी मूछ निकाल दी जाए तो। माफ कीजिए, आपके सर के बाल कब से झड़ने शुरू हुए? इंस्पेक्टर साहब,
میرے سر کے بال 20 سال سے مستقل طور سے اس طرح سے ہیں. آپ کا اکاؤنٹ کس بینک میں ہے انسپیکٹر صاحب؟ کبھی آپ مجھے تصویر دکھاتے ہیں، کبھی میرا بینک اکاؤنٹ پوچھتے ہیں، تو آپ صاف صاف کیوں نہیں کہتے آپ جاننا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی آمدنی کا ذریعہ. اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو میں مجبوراً بتا رہا ہوں، میں بھگواندار جویلرز کا پارٹنر ہوں. شاید آپ بھولتے ہیں، آپ کہہ چکے ہیں کہ آپ بھگوانداس جیولرز کے پارٹنر نہیں ہیں. میں نہیں بھولتا لیکن آپ بھول رہے ہیں. میں کہنے سے پیشتر آپ کو ابھی ابھی کہہ چکا ہوں کہ میں مجبوراً بتا رہا ہوں، میری اور بھگوانداس کی پارٹنرشپ پرائیویٹ ہے تاکہ ان کے بزنس اور شانہ شوکت میں فرق نہ آئے. تو ہم آپ کی یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ ڈیڈ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن وہ تو لاکر میں ہے اور آج سیٹرڈے ہے، بینک بند ہو گیا ہوگا. اور کل سنڈے، میں پرسوں آپ کو دکھا سکتا ہوں. میں آپ کی کوئی اور خدمت کر سکتا ہوں؟ تھینک یو ویری مچ مسٹر سنگھ. تھینک یو انسپیکٹر. کیوں انسپیکٹر، کچھ نتیجہ نکلا؟ انسپیکٹر وما، شکاری خود ہی شکار بن گیا ہے. وہ اس فوٹو پر اپنی انگلیوں کے نشان خود ہی چھوڑ گیا ہے. نیروبی سے آئی رپورٹ کی تصدیق کے لیے اس فوٹو کو فوراً فنگر پرنٹ ایکسپرٹ کو دے دیجیے گا. ہلو بھگوانداس، میں سنگھ بول رہا ہوں. ہاں کیا ہے سنگھ؟ ایک حادثہ ہو گیا. حادثہ؟ کیسا حادثہ؟ ہاں ریٹا. ریٹا؟ کیا ہوا ریٹا کو؟ ریٹا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ کب، کیسے، کہاں؟ بامبے ہاسپٹل میں. بامبے ہاسپٹل میں؟ اچھا اچھا، میں بھی آتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ مجھے یہاں اس طرح کیوں لایا گیا؟ کام ضروری تھا اس لیے تمہیں تکلیف دی گئی. تو ریٹا کو کچھ نہیں ہوا، میرے ساتھ چال چلی گئی. جب سے تم نے اپنی چال بدل دی مجھے چال چلنی پڑی. لو اس پر دستخط کر دو. پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ صرف پولیس کو دکھانے کے لیے، کام ہو جانے کے بعد اس کو میں تمہارے سامنے پھاڑ کے پھینک دوں گا. میں اس پر دستخط نہیں کروں گا. کیوں؟ مجھے بھروسہ نہیں ہے. میں اب تم جیسے خونی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا. جو چاہے سو کہو، لیکن جو کچھ میں نے کیا تمہارے فائدے کے لیے کیا. بھگوان داس پلیز، میں دستخط نہیں کروں گا. تمہارے دستخط نہ کرنے سے میں تو مصیبت میں آؤں گا ہی، لیکن تم بھی تباہی سے بچ نہیں سکتے. تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، لیکن اب میں تمہاری دھمکی سے ڈرنے والا نہیں. میں نے کیا گناہ کیا میں جانتا ہوں. تمہارا اسمگل کیا ہوا سونا میں نے بازار میں بیچا، اس کے لیے میں جو کچھ بھی برداشت کر رہا ہوں میں ہی جانتا ہوں. لیکن تم نے جو کچھ کیا قانون میں اس کی سب سے بڑی سزا ہے مسٹر شاملال. شاملال، داڑھی مونچھ ہٹا دینے سے انسان کی اصلی زازن تو نہیں چھپتی. کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ تم کون ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں. کیا جانتے ہو؟ ہٹاؤ یہ ہاتھ. تم نے میرا پاسپورٹ چرایا ہے. ہاں مجھے معلوم تھا کہ تم نیروبی سے خون کر کے بھاگے ہو اور پولیس تمہیں تلاش کر رہی ہے. اسی لیے موقع پا کر میں نے تمہارا پاسپورٹ اپنے قبضے میں کر لیا. یاد کرو ایک دن تم دکان پر بیٹھے تھے، نیروبی سے ایک آدمی آیا اور اس نے تمہیں اسی نام سے پکارا، تم چوک پڑے. تم نے اسے الگ بلا کر گھر پر ملنے کے لیے کہا. میں نے سب کچھ سن لیا. اس آدمی کو تم نے ٹھکانے لگا دیا کس لیے کہ تمہارا راز جانتا تھا. میں اسی دن چوکنا ہو گیا کہ ایک نہ ایک دن تم مجھے بھی ٹسو گے. تو تم اپنے دوست کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے. اب دوست کو دشمن بننے سے پہلے ہی یہاں سے جانے دو. نہیں تو کیا تم مجھے اپنے کرایہ کے خونیوں کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ موقع پڑنے پر ان کا کام میں خود ہی کر لیتا ہوں. بیٹھا بیٹھا. میں نے تمہارے گھر کا نمبر لگایا ہے، بھابھی سے کہہ دو جو آدمی بھیج رہا ہوں ان کے ساتھ میرا پاسپورٹ بھیج دیں.
हेलो लीला जी, वो मेरी अलमारी में एक पासपोर्ट है। जो आदमी भेज रहा हूँ उन्हें दे देना। हाँ मैं जो आदमी भेज रहा हूँ उन्हें न देकर चले पुलिस स्टेशन भेजना। हेलो 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 तो एक आदमी लेकर सीधे घर जाओ और इनके कमरे की अलमारी में एक नीले रंग की किताब होगी, पतली से, उसे लेके आओ। ओके मम्मी। रीता अच्छा होगा तू आ गई। क्या बात है? तेरे डैडी का फोन आया था, उन्होंने कहा है ये पासपोर्ट लेने के लिए कुछ आदमी आ रहे हैं, उन्हें न देना और पुलिस स्टेशन भेज देना। पुलिस स्टेशन? हाँ। अरे ये तो सिंह का पासपोर्ट है, जरूर कोई गड़बड़ है, मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ। तुम लोग यहीं ठहरो। जल्दी चलो। खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा।
अरे इधर इधर इधर, मामा जी के घर में रीता जी आई है, उनके पीछे दो तीन बदमाश लगे, तुम्हें जल्दी बुलाए। रीता जी? हाँ। बदमाश? कदम हो गए जनार्दन भैया। क्या हुआ? जो लड़की शेखर भैया से मिलने के लिए आते थे ना, उसे गुंडे लोग गाड़ी में बैठा के ले गए। खबरदार स्वामी, क्या है बोलो। खबरदार जी, अगर तुम्हें छेती नाल थानेदार ना दे, एक गर्मी नाल मेरा गला खुशक हो रहा है, एक ठंडी मिट्टी ले दे रस्सी का प्रबंध हो जाए। खबरदार स्वामी, हमारे वास्ते एक गर्म गर्म काफी, एक मसाला डोसा नहीं मिलेगा, इडली चलेगा जी। एंड फॉर मी मिस्टर हवलदार, वन सिंगल चाय एंड आधा पैकेट पीला हाथी। चुप रहो, क्या शोर मचा रखा, ये लॉकअप है, होटल नहीं। ओह आई एम सॉरी। और ऐसे नाराज होके चला गया है। यू आर राइट मिस्टर पुअर सिंह, बट हम लोग इधर अपना मर्जी से तो नहीं आया। बट आइए यो, हमको इज्जत में मोटर वाइन में साहब लेको आया। अरे हॉट मोटर वाइन स्वामी, हमको साहब अपना बाजू में बिठा के इधर जीप में लेके आया। ओए मैं तो पैदल आया हूं। गुड कांग्रेचुलेशन। अरे जनार्दन, जनार्दन आ जा। बगैर गल सुने अंदर चला गया। बट आई थिंक मिस्टर पुअर सिंह, एकदम क्लोज, हमको ऐसा लगता है कि हमारे लोग का जमीन के वास्ते इसको हमारा बॉस ने इधर भेजा है। इंस्पेक्टर। हेलो इंस्पेक्टर, व्हाट न्यूज? जल्दी कीजिए, रीता देवी की जान खतरे में है, और आप सेठ भगवानदास का पता लगाइए, हमें अभी अभी सिंह के घर पर छापा मारना है। सिंह सर जी, तैयार करो। जल्दी हवालदार जी, जल्दी करो, उनसे गला ज्यादा खुश हो रहा है। मिस्टर दुबे, मिस्टर मूलचंद, हम सिनाजर को बोल के तुम लोग की जमीन का इंतजाम करवाता है। मिस्टर मस्करी करता है। हवालदार जी, एक ही जुलम कर रहे हो। अयो, ये जनार्दन स्वामी इंस्पेक्टर। जनार्दन? जनार्दन और बस रीटा अंदर। सिंह, सिंह मैंने जो कुछ किया उसकी मुझे सजा मिल रही है, लेकिन रीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उस मासूम पे क्यों इतना बड़ा जुल्म कर रहे हो? उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उसे छोड़ दो। रीटा, मुझे अफसोस है जो सुलूक मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाप ने मुझे मजबूर कर दिया, और तुम भी तो मेरा पासपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन जा रही थी। पकड़ लो, जाने ना पाए, मकान को चारों तरफ से घेर लो। सिंह, तुम्हें जितनी दौलत चाहिए मुझसे ले लो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, उसे छोड़ दो। भगवान दास, रुपया मेरे हाथ का मैल, उसकी जरूरत मुझे नहीं तुम्हें, मुझे सिर्फ तुम्हारे दस्तखत चाहिए। ला, ला मुझे मंजूर है, मैं दस्तखत कर दूंगा। रीता, अब मुझे इल्जाम मत देना, तुमने अपनी मां खुद बुलाई है। रीता देवी कहां है? कौन रीता देवी? मिस्टर सिंह कहां है? वो घर में नहीं है। पुलिस के यहां पहुंचे सर, मैं बात को लेकर जाऊंगा, और 1 घंटे के अंदर तुम लोग ऊपर पहुंच जाओगे। सिंह, 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 आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मगर क्यों? सरप्राइज इंस्पेक्टर, ये आप बेहतर जानती हैं। हवलदार, जरा की तलाशी लो। अच्छा सर। क्या कहा? सेठ भगवान दास दुकान पर नहीं है, मगर उनके घर के नंबर का क्या हुआ? और मैं फिर से ट्राई करती हूँ। ओके, जल्दी इंस्पेक्टर साहब। अच्छा हुआ आप आ गए जी। नैरोबी की खबर से मालूम हुआ है कि सिंह ही नैरोबी से भागा हुआ खतरनाक मुजरिम श्यामलाल है। हाँ, और मूलराज और दुबे ने अपना जुर्म इकबाल करते हुए कहा है कि मुनीम और चौधरी की मौत के पीछे सिंह का ही हाथ है। और कल रात उसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की, आज सुबह जब घर गया तो देखा दरवाजा टूटा हुआ है। मैं आपके पास यही रिपोर्ट करने के लिए आया। यस सर, भगवान दास के घर से कोई जवाब नहीं मिलता। कोई जवाब नहीं मिलता? यस सर, टेलीफोन इंक्वायरी वाला बोलता है कि लाइन डेड है। व्हाट? लाइन डेड? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? चलिए आप मेरे साथ आइए।
आपको बंद कैसे किया? सिंह के आदमियों ने। सिंह? हाँ, रीता के पिता का फोन आया था कि सिंह का पासवर्ड पुलिस के हवाले कर देना। वो पासवर्ड रीता के पास है, वो बदमाश उससे छीनना चाहते हैं। पासपोर्ट? हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स, दिस इज प्लैंक स्क्वाड नंबर 34 स्पीकिंग। क्रिमिनल शमशेर सिंह अलियास श्यामलाल अपने पासपोर्ट के साथ लापता है। मुझे यकीन है कि वो मुल्क छोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। एयरपोर्ट और पोर्ट ट्रस्ट की पुलिस को फौरन आगाह किया जाए। ओवर। यस। स्टॉप द शिप इन मिड स्ट्रीम। हेलो हेलो, स्टॉप द शिप। Thank you.
कहाँ है रीता देवी? मैं आपने अपनी जान खतरे में डालकर भी मुजरिम को गिरफ्तार कराने में पुलिस की जो इमदाद की है उसके लिए आपकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम। थैंक यू इंस्पेक्टर, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। मिस रीता, आपने अपने स्वर्गीय पिताजी की तमाम दौलत गरीबों के लिए ट्रस्ट करके एक नई मिसाल पेश की है। भगवान आप दोनों को सदा सुखी रखे। गुड डाक। कुछ नहीं चाहिए दिल छेड़ दे।